गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज गीता बाल्मीकि। सो गाइस देख सकते हो अभी मैं खड़ी हूँ भवानीपुर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट में। मेरे पीछे देख सकते हो श्री हरि मिष्टान्न भंडार है। सुबह का समय हो रहा है, ब्रेकफास्ट करने के लिए आई हूँ और ये दुकान जो है बहुत ज़्यादा फेमस है एंड खाना यहाँ का बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, मतलब कि यहाँ पर जो खाऊंगी कचौड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा ना कि टेस्टी है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है। चलो मेरे साथ देखते हैं कैसा है, एक्सप्लोर करते हैं एंड मिठाई वगैरह भी देख लेते हैं। देख सकते हो भवानीपुर पुलिस स्टेशन है उधर एंड एकदम उसके ऑपोजिट में यहाँ पे है श्री हरि मिष्टान्न भंडार। देख सकते हो मोदक रखा है यहाँ पे, लेंचा है 25 रुपीज का एंड ये छेना जलेबी जो मुझे पसंद है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये नाम तो पता नहीं है जो भी है पर टेस्टी लग रहा है जो भी है एंड ये वाला भी मुझे अच्छा लगता है। काजू बर्फी है यहाँ पे। फ्रेश काचा गोला रखा हुआ है, काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। देख सकते हो यहाँ पे रबड़ी भी रखा है, यहाँ छेना पाइस है, ये वाला बहुत अमेजिंग लग रहा है। लड्डूज वगैरह है, ये गजा है। तो अभी अंदर चलते हैं और खाते हैं, देखते हैं कैसा होता है। राधा पल्लवी सिंगाड़ा हर चॉप मिष्टी। अच्छा खाके बोल कैसा है? इससे बेटर हो सकता था राइट? खराब ना भालो। ঠিক আছে নিয়ে আসুন, তিনটেই নিয়ে আসুন।
देखते हैं कैसा है। चेस बहुत सारा, रसमलाई 100 ग्राम्स लिया है मैंने, 40 रुपीज। अब नेक्स्ट ये कमला भोग ट्राई करती हूँ, देखते हैं कैसा है। भैया ने बोला जो जो स्पेशल है यहाँ का मैंने वो सब ले लिया, और ज़्यादा मैं खा नहीं पाऊँगी इसलिए तीन ही लिया है। तो कमला भोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। इसमें ऑरेंजिस फ्लेवर आ रहा है, पहले बार खाया ये वाला, बहुत टेस्टी है। अब खाते हैं लेंचा। लेंचा भी यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है एंड आपको डिफरेंट साइज में मिल जाएगा। ये मैंने ये 10 रुपये वाला लिया है। अब लेंचा खाते हैं। मिठाई मुझे तीनों ही अच्छे लगे, सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा मुझे रस मलाई। तो गाइस ये जो दुकान है ये 1912 से चल रहा है, तो लगभग 100 साल हो चुका है। एंड काफ़ी अच्छा था यहाँ का मिठाई, काफ़ी अच्छा था, स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीटली बिहेव कर रहे थे। दुकान को अगर मैं ओवरऑल रेट दूँ 10 में से, तो मैं अपने तरफ से 8 देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मतलब वो दाल उतना कुछ खास नहीं लगा, बट मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो एक सब्सक्राइब करके जाओ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। टाटा।